लिंगों से जुड़े कई सवाल अक्सर लोगों के मन में उठते रहते हैं, जैसे कि क्या वे भारत में ही होते हैं, क्या सभी लिंग एक जैसे होते हैं, उनमें और दूसरे मंदिरों में क्या अंतर है। आइए इन्हीं सवालों का जवाब जानते हैं। प्रश्न, सदगुरु, भारत में हर और लिंग दिखाई देती है, ध्यान लिंग अन्य लिंगों से किस तरह अलग है? क्या दुनिया के बाकी हिस्सों में भी लिंग है, या ये विज्ञान केवल भारतीय संस्कृति तक ही सीमित है? आप ये भी कहते हैं कि ये एक धार्मिक प्रतीक नहीं है, ऐसा क्यों? ध्यानलिंग की रचना के पीछे क्या विज्ञान है? सदगुरु कहते हैं, लिंग को बनाने का विज्ञान एक अनुभव से जन्मा विज्ञान है, जो हजारों सालों से यहां मौजूद है, परंतु पिछले 8-9 सालों में, खासतौर पर जब भारत में भक्ति आंदोलन की लहर फैली, तो मंदिर निर्माण का विज्ञान खो गया। एक भक्त के लिए अपनी भावनाओं से अधिक महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता, उसका रास्ता भावनाओं का है। यह उसकी भावनाओं की ही ताकत होती है जिसके दम पर वह सब कुछ करता है। विज्ञान को किनारे करके वे मन चाहे तरीके से मंदिर बनाने लगे। ये एक लव अफेयर होता है। एक भक्त जो जी में आए कर सकता है, उसके लिए सब जायज है, क्योंकि उसके पास एक ही चीज है, वह है अपनी भावनाओं की ताकत। इसी वजह से लिंग रचना का विज्ञान भी खत्म होने लगा, वरना यह एक बहुत गहन विज्ञान था। यह एक सब्जेक्टिव साइंस है, इसे कभी लिखा नहीं गया, क्योंकि लिखने से इसके गलत समझे जाने की पूरी संभावना थी। विज्ञान की जानकारी के बिना अनेक लिंगों की स्थापना की गई। भक्तों द्वारा बनाए गए मंदिर वे स्थान हैं जहां लोगों में भाव पैदा होते हैं। केवल कुछ ही लोग सच्चे भक्त होते हैं। अधिकतर लोग भक्ति को कुछ मन चाहा पाने की करेंसी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। दुनिया की 98% प्रार्थनाओं में भक्तों की मांगों के सिवा कुछ नहीं होता। ये दे दो, वह दे दो, मेरी रक्षा करो। ये केवल जीवन बचाने और चलाने की बात है। इसमें कोई भक्ति भाव नहीं है, इसमें कहीं कोई प्रार्थना का भाव भी नहीं है। ये बस जीवन यापन के बारे में है, बस अपने तरीका बदल दिया है। आमतौर पर वैज्ञानिक आधार वाले लिंग वही है जिन्हें सिद्धों व योगियों ने वैज्ञानिक प्रक्रिया से तैयार किया। इनका मकसद मोक्ष है, उनका कंपन हमेशा के लिए है। अक्सर उन्हें मंत्रों के जाप द्वारा प्रतिष्ठित किया गया था, जिनका एक खास मकसद और खास गुण होता है। शायद आपको पता नहीं होगा, दक्षिण भारत में प्रकृति के 5 तत्वों के लिए 5 लिंग है। ये 5 लिंग पूजा के लिए नहीं, साधना के लिए बनाए गए हैं। योग की सबसे बुनियादी साधना है भूत शुद्धि। पंचभूत प्रकृति के 5 तत्व हैं, जिनसे आपका शरीर बना है। ये है अग्नि, धरती, जल, वायु व आकाश। ये एक निश्चित तरीके से भौतिक देह के रूप में प्रकट होते हैं। आध्यात्मिक साधना का अर्थ है कि आप इस भौतिक प्रकृति से, इन 5 तत्वों से परे जाना चाहते हैं। आपके हर अनुभव पर इन तत्वों की गहरी पकड़ होती है। अगर इनसे पार जाना है तो आपको योग का बुनियादी अभ्यास करना होगा, जिसे भूत शुद्धि कहते हैं। हर तत्व के लिए एक अभ्यास है, जिसे अपनाने के बाद आप उससे मुक्त हो सकते हैं। भूत शुद्धि अभ्यास के लिए ही उन्होंने 5 अलग अलग लिंगों की रचना की, धरती, जल, वायु, आकाश व अग्नि।
हरेक के लिए अलग लिंग बनाए गए। उन लिंगों के लिए विशाल और अद्भुत मंदिरों की रचना हुई जिनमें जाकर साधना की जा सकती है। अगर आप जल की साधना करना चाहे तो आपको तिरुवन इकवल जाना होगा, आकाश तत्व की साधना के लिए चिदंबरम जाना होगा, इसी तरह अलग अलग तत्वों की साधना के लिए अलग अलग मंदिर जाना होगा। मंदिर ऐसे ही होने चाहिए जिनमें किसी खास उद्देश्य के लिए ऊर्जा को खास तरह से रचा गया हो। ये मंदिर पूजा के लिए नहीं, साधना के लिए बनाए गए थे। भारतीय मंदिर प्रार्थना के लिए बने ही नहीं थे, उनमें पूजा नहीं होती थी। ये आजकल ही लोग ऐसा करने लगे हैं कि 5 रुपए देकर ईश्वर से पता नहीं क्या क्या मांगते रहते हैं। पारंपरिक तौर पर आपसे कहा जाता था कि अगर आप मंदिर जाए तो उस स्थान पर कुछ देर बैठे, क्योंकि वे ऊर्जा के केंद्र हैं। ये एक तरह से पब्लिक चार्जिंग सेंटर है। आप हर रोज सुबह दुनियावी कामों को शुरू करने से पहले नहाकर कुछ समय मंदिर में बैठते हैं, वहां की ऊर्जा ग्रहण करते हैं और खुद को ऊर्जान्वित करते हैं। फिर आप अच्छी तरंगों के साथ संसार में कदम रखते हैं। अद्भुत बात यह है कि पूरी दुनिया में लिंग है। अफ्रीका में टेराकोटा के लिंग है जिन्हें तंत्र साधना के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ग्रीस में एक लिंग है जिसको नेवल ऑफ द अर्थ कहते हैं। ये पूरी तरह से मणिपूरक है। इसे निश्चित तौर पर भारतीय योगियों ने बनाया होगा। किसी ने वहां मणिपूरक लिंग की प्रतिष्ठा की क्योंकि वहां का राजा विजय संपन्नता व कल्याण चाहता होगा। उन्होंने उस उद्देश्य के लिए एक साधन तैयार कर दिया। अधिकतर मंदिरों के निर्माण का पैसा राजा से मिलता था, इसलिए मणिपूरक मंदिर बने। लेकिन कुछ राजा ऐसे भी हुए जिन्होंने इन बातों से परे कुछ पाना चाहा। उन्होंने अनाहत लिंग बनवाए जिन्हें आत्मलिंग भी कहा जाता है। ये आत्मलिंग प्रेम और भक्ति और पूरी तरह से विसर्जित हो जाने के लिए होते हैं। अनाहत लिंग हर तरह के लोगों की पहुंच में होता है। कई मूलाधार लिंग है जो बहुत ही आधारभूत व बलशाली है, जिन्हें तंत्र विद्याओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपको असम और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में ऐसे लिंग दिखेंगे। कुछ रहस्यमय मंदिर है जो छोटे हैं पर गुप्त साधनाओं के लिहाज से गहरी क्षमता रखते हैं, लेकिन ज्यादातर लिंग मणिपूरक होते हैं। इस समय देश के अधिकतर लिंग केवल एक या दो चक्रों को ही दर्शाते हैं, अक्सर एक ही चक्र को दर्शाते हैं, क्योंकि एक ही चक्र के लिए बना लिंग खास मकसद के लिए बहुत ही बलशाली होता है। इनकी प्रतिष्ठा मंत्रों से की जाती है। ध्यान लिंग एक ऐसा लिंग है जिसमें 7 चक्र है और इसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है, यानी इसकी प्रतिष्ठा प्राण से की गई है। 7 चक्र एक साथ लाना अपने आप में बड़ी चुनौती थी। अगर मैं 7 चक्र के लिए 7 अलग लिंग बनाना चाहता तो वह काम काफी आसान होता, लेकिन उनका वैसा असर नहीं होता। ध्यान लिंग का मतलब है सबसे ऊंची प्राणी का ऊर्जा शरीर, या आप कह सकते हैं कि ये उस सबसे ऊंचे देव शिव का ऊर्जा शरीर है। एक और बात, शायद संसार में पहली बार ध्यानलिंग की देखभाल में स्त्री और पुरुष दोनों को शामिल किया गया है। इससे पहले स्त्रियों को ऐसा काम कभी नहीं करने दिया गया, लेकिन आज महीने में 14 दिन पूरा शुक्ल पक्ष यानी पूर्णिमा तक महिलाएं ध्यानलिंग की देखभाल करती हैं। अगले 14 दिन पूरा कृष्ण पक्ष यानी अमावस्या तक पुरुष ध्यानलिंग की देखरेख करते हैं। मेरा मानना है कि यह समाज के लिए बड़ा उपहार होगा कि वह इन परंपराओं से परे जा सके। अगर कोई आध्यात्मिक साधना करना चाहे तो उसे एक जीवंत गुरु की नजदीकी मिल सकती है। इसी उद्देश्य से ध्यानलिंग को रचा गया है।
लोग आकर बैठते हैं और चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो लोग साधना करना चाहते हैं वे उस ऊर्जा के साथ आत्मीयता हासिल कर सकते हैं जो अक्सर लोगों को नहीं मिल पाती। लोगों के लिए ऐसा अवसर उपलब्ध होना बहुत ही दुर्लभ है। धन्यवाद।